हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पुराने वाले वीडियो पे जो पेटेंट के लिए मैंने बनाया था उस पर कितना अच्छा रिस्पांस आया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग सो कोऑपरेटिव एंड फॉर योर सपोर्ट। एंड उस पर्टिकुलर वीडियो पे मेरे पास कई कमेंट्स आए जिसपे कि आगे की प्रोसेस जाननी थी या फिर क्लेम्स के लिए कुछ लोग पूछ रहे थे, तो कई तरीके की रिक्वेस्ट आ रही थी। बट आई थॉट क्लेम्स से मैं शुरू करता हूँ क्योंकि क्लेम्स हमारा एक मेजर पार्ट होता है किसी भी पेटेंट फाइलिंग एप्लीकेशन के लिए। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल टॉक अबाउट क्लेम्स, कि क्लेम्स को कैसे फ्रेम किया जाए, क्या गलतियाँ हम लोग अक्सर कर देते हैं क्लेम्स फ्रेम करते टाइम, किन किन चीज़ों पे हमको ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देंगे। साथ ही साथ जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड करी जा रही है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आईपी इंडिया की डॉक्यूमेंटेशन में प्रेजेंट है। कोई भी जेनरिक इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर कोई भी इधर उधर से ढूंढी हुई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल है। तो अगर आप इसको आप एक तरीके से सही दिशा में लेके चलेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है कि आपके क्लेम्स में ज़्यादा रिजेक्शन ना आए या फिर क्लेम्स में ज़्यादा क्वेश्चंस ना आए या कोई प्रॉब्लम ऐसी ना आए जो अनवांटेड प्रॉब्लम्स है, कि आपने कोई इन्वेंशन तो कर दिया लेकिन आप प्रॉपर तरीके से अपने इन्वेंशन को क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि कैसे आपके जो पेटेंट की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो, या फिर कोई अगर डाउट है क्लेम्स को लिखने में तो वो चीज़ कैसे अवॉइड करी जा सके, या कोई भी अगर एक्स वाई जी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस पर अवॉइड कर सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। बस ये रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को पूरा देखें क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉइंट बाय पॉइंट ही समझ में आएंगी और कोई भी इसमें पॉइंट जो है वो जेनेरिक या फिर एक ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, सारे के सारे ऑफिशियल पॉइंट्स हैं। सो इट वुड बी गुड अगर आप पूरा आखिरी तक हमारा वीडियो देखते हैं। सो इसके साथ ही हम शुरू करते हैं अपना प्रेजेंटेशन। एंड सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि क्लेम होता क्या है। तो क्लेम बेसिकली क्या है, आपको किस चीज़ पे राइट चाहिए, बेसिकली अ राइट दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट इन योर इन्वेंशन। तो आपने मान लीजिए साइकिल बना ली है पूरी की पूरी, अब साइकिल बनाई है या उसका पहिया बनाया है या उसका पैडल बनाया है, किसी ना किसी चीज़ पे तो आपको राइट क्लेम करना पड़ेगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि या तो आप मुझे मेरी साइकिल का पूरा आप पेटेंट दे दो, ठीक है, तो आप लिखोगे कि हाँ भाई साइकिल का मुझे पेटेंट चाहिए, या फिर कहोगे कि नहीं मुझे सिर्फ इस एक पहिए का मुझे पेटेंट चाहिए। तो आपका जो क्लेम होगा ना, क्लेम डिफाइंस कि आपकी जो प्रोटेक्शन है आईपी की वो किस चीज़ पे होनी है। मतलब आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो आप कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप क्लेम करना चाह रहे हो अपने यूज़ के लिए, अपने एक्सक्लूसिविटी के लिए। तो ये चीज़ भी जो एक ऑफिशियल डेफिनेशन है, इट डिफाइंस द कंटूर ऑफ द राइट्स इफ एंड व्हेन अ पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर अ इन्वेंशन। तो इट्स द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन। जो भी चीज़ आपको डिफाइन करनी है, जो भी चीज़ आपको क्लेम करनी है, वो आपकी होनी है क्लेम्स के अंदर। तो क्लेम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर आपको कोई भी पेटेंट लेना है वो क्लेम्स पर ही लेना है। क्लेम्स के भी अब जैसे होता है ना कि आपने पूरा एक डिस्क्राइब कर दिया पूरे इन्वेंशन को, तो पूरे इन्वेंशन पे आपको पेटेंट ग्रांट नहीं होगा। जो पेटेंट ग्रांट होगा वो सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों पर होगा जो क्लेम्स के अंदर मेंशनड है। तो इसीलिए आपको क्लेम्स के टाइम काफ़ी ज़्यादा सचेत रहना पड़ता है कि मैं अपने शब्दों का सही चयन करना होगा कि मैं किन किन चीज़ों पे क्लेम लेना चाह रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें मुझे प्रोटेक्ट करनी है, या एक पर्टिकुलर इन्वेंशन के किस हिस्से पे मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। मान लीजिए आपका इन्वेंशन तो इतना बड़ा है लेकिन आपको प्रोटेक्शन चाहिए उसके इतने छोटे से हिस्से पे, तो आपको ना सिर्फ वही हिस्सा ही लेके चलना है क्लेम में, इससे ऊपर आप कुछ नहीं ले सकते हो। तो बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये हिस्सा प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए कि हाँ ये हिस्सा जो है इस पे मुझे क्लेम चाहिए, ना कि इस हिस्से पे। तो क्लेम मोटा मोटी आपको जिस चीज पे प्रोटेक्शन चाहिए उसकी डेफिनेशन, या उसको आप किस तरीके से एक लीगली डॉक्यूमेंट कर रहे हो चीज को, वो एक मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, एक लीगल स्टेटमेंट है आपके प्रोडक्शन राइट्स के ऊपर, उसको हम क्लेम कहते हैं। अब क्लेम कोई भी चीज़ क्लेम करने से पहले हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिटी ऑफ इन्वेंशन एंड क्लैरिटी ऑफ क्लेम्स। जब भी हम क्लेम फाइल करते हैं तो ये दो चीज़ें हमको बहुत ही
ज़्यादा ध्यान में रखनी है, ये नहीं कि हम कुछ भी लिखते चले जा रहे हैं। तो ये ऑफिशियली जो हमसे बताया गया है वो ये बताया गया है, क्लेम्स ऑफ अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन शैल रिलेट टू अ सिंगल इन्वेंशन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपने जिस पार्ट पे इन्वेंशन लिया है, मान लीजिए आपने, जैसे मैंने पुराना एग्जांपल लिया था साइकिल का, तो साइकिल अगर आपने पूरी पूरी साइकिल को डिफाइन किया है तो आप मल्टीपल क्लेम्स के अंदर उसको डिफाइन कर सकते हो कि भाई मैंने पहिया भी बनाया है, मैंने पैडल भी बनाया है, मैंने इसकी सीट भी बनाई है। तो यू कैन डिफाइन ईच ऑफ देम सेपरेटली अंडर डिफरेंट क्लेम्स, लाइक यू कैन राइट अप टू 10 क्लेम्स एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर, लाइक दीज आर द फ्री क्लेम्स, नंबर ऑफ क्लेम्स इज 9 और 10, दैट इज फ्री, बट इफ यू हैव मोर क्लेम्स टू मेक देन प्रॉब्ली यू वुड हैव टू पे फॉर इट। तो 9 से 10 आपके जो क्लेम्स हैं वो फ्री रहते हैं और उसके बाद यू हैव टू पे, अगर 11, 12 या 15, 20 निकल गया तो यू हैव टू पे फॉर इट। देर इज अ फीस, गवर्नमेंट फीस, जो आप गवर्नमेंट को पे कर दोगे एंड देन यू कैन राइट एन नंबर ऑफ क्लेम्स। बट द थिंग इज दैट कि इस पर्टिकुलर, मान लीजिए आपने 9-10 भी अगर लिखे हैं तो 9-10 जो भी आपने लिखे हैं ना वो एक ही इन्वेंशन के पार्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने पहले मैंने साइकिल के टायर की बात करी है, बाद में मैंने मोटरसाइकिल के टायर की बात कर दी, यहाँ पे दो प्रोडक्ट अलग हो गए, दो क्लेम या दो सब्जेक्ट आपके अलग हो गए, दो इन्वेंशन आपके अलग हो गए। ऐसा नहीं होना है, आपको एक ही इन्वेंशन का पार्ट लेके चलना है, भले ही वो एक छोटा सा पार्ट हो या एक मेजर पार्ट हो, सिंगल ही रहना चाहिए आपका जो भी ये रहे। साथ ही साथ एक एक बेसिक चीज़ होती है कि जैसे अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ कि हाउ वी कैन फ्रेम, या फिर कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसको हम अपने दिमाग में रख सकते हैं ये फ्रेम करते हुए, तो मैं सिंपल सा एक जो भी मुझसे पूछता है मैं उसको 3 C's का प्रिंसिपल देता हूँ। 3 C's का प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, ये पहला इट शुड बी क्लियर, दूसरा इट शुड बी कंसाइज, तीसरा इट शुड बी कॉम्पैक्ट। आप जब भी अपने क्लेम्स को फ्रेम करें मेक श्योर इट इज क्लियर, यू आर क्लियरली डिफाइनिंग, आप जो भी आपको चाहिए आप उसको डिफाइन करिए क्लियरली, आप उसको लीगली राइट कर रहे हैं, बेसिकली आप एक लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। जब क्लेम इज आर लीगल डॉक्यूमेंट, सो आप एक लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हो कि मुझे भाई मैंने ये चीज़ इन्वेंट करी है, या मैंने इस पे प्रोसेस डिफाइन किया, या मैंने इसकी डिज़ाइन बनाई है और मुझे उस इन्वेंशन के हिस्से पे अपना प्रोडक्शन चाहिए। तो आपकी आस्क, आपका क्लेम जो भी होना चाहिए ये क्लियर होना चाहिए। कंसाइज में क्या है कि अगर आपने एक छोटे से हिस्से को चूज किया है, मान लीजिए एक बड़ा सा इन्वेंशन है, इसके एक छोटे से हिस्से को चूज किया है, तो मैं जब क्लेम लिखूंगा तो मैं इस वाले हिस्से पे फोकस नहीं करूंगा कि भाई मुझे ये वाला हिस्सा ये काम करता है, ये हिस्सा ये काम करता है, नहीं, मैं इस हिस्से पे फोकस नहीं करूंगा, मैं फोकस करूंगा सिर्फ इस हिस्से पे जो मुझे चाहिए, मैं इसके बारे में ही लिखूंगा कंसाइसली कि भाई मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए और बाकी आप जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है या फुल स्पेसिफिकेशन में डाल रखा है। कॉम्पैक्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यू हैव टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ द इन्वेंशन। आपका जो भी एक इन्वेंशन है वो एक क्लेम जब आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो तो दूसरे इन्वेंशंस में मिले नहीं, वो सारे के सारे क्लेम्स जो हैं आपका, जो स्पेसिफिकेशंस लेके क्लेम तक का, वो सभी सब कुछ एक ही इन्वेंशन से होना चाहिए। या फिर अगर जैसे मैंने बताया कि ना आप मल्टीपल क्लेम कर सकते हो, तो ये वाला पार्ट ऑल टू अ ग्रुप ऑफ इन्वेंशंस लिंक्स एज टू फॉर्म अ सिंगल इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि आप अगर मल्टीपल क्लेम भी कर रहे हो तब भी वो एक ही इन्वेंशन के पार्ट होने चाहिए। सेकेंड पार्ट जैसे मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है कि इट शुड बी क्लियर फेयरली बेस्ड ऑन द मैटर डिस्क्लोज इन द स्पेसिफिकेशन, क्योंकि आप लोग मतलब स्पेसिफिकेशन भी बनाए होंगे, तो स्पेसिफिकेशन में जो आपने लिखा हुआ है उसके हिसाब से ही आपकी सारी क्लेम्स होने चाहिए, एंड दैट सफाइज क्लियर कंसाइज एंड कॉम्पैक्ट पार्ट ऑफ माई प्रिंसिपल। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ क्लेम, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया फर्स्ट स्लाइड में कि सिग्निफिकेंस क्या है। आप सिग्निफिकेंस, आप यहाँ पे अगर आप ये देखो एकदम क्लियर इन्होंने क्या लिख रखा है, इन्होंने ये लिखा है व्हाट इज नॉट क्लेम्ड इन द क्लेम्स स्टैंड्स डिस्क्लेम्ड। मतलब अगर आपने कोई चीज नहीं लिखी है, आपने भले ही वो स्पेसिफिकेशन में डाल रखी है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में डाल रखी है, मगर अगर वो चीज क्लेम्स में नहीं है तो उसको डिस्क्लेम्ड माना जाएगा, उस पे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। दे हैव क्लियरली मेंशन्ड इट, आईपी इंडिया हैज क्लियरली मेंशन्ड इट दैट व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लेम्स
including the amended claims, stands disclaimed and is open to public use even if the matter is disclosed in the description. आपने जो आपका इन्फॉर्मेशन था इस पे आपने एक डिस्क्रिप्शन लिखा, आपने डिस्क्रिप्शन में बता दिया आपकी साइकिल काम कैसे करती है, ठीक है। आपने फिर साइकिल के जो क्लेम्स थे उसमें आपने केवल क्लेम्स में केवल आपने उसके व्हील पर आपने क्लेम लिया, या फिर आपने क्लेम में सिर्फ इसको मेंशन किया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सिर्फ इस पे ही व्हील पर ही प्रोटेक्शन चाहिए अपने क्लेम की, अपने पेटेंट की, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। इसके अलावा क्योंकि आपने डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लोज तो कर ही दिया है कि आपकी साइकिल वर्क कैसे कर रही है, हाउ डज योर साइकिल वर्क, तो इसमें क्या होगा, अब कई चीजें ऐसी भी होंगी जो डिस्क्लोज हो जाएंगी, भाई उसकी पूरी साइकिल की पूरी वर्किंग पता चल जाएगी जो भी पढ़ रहा है उस क्लेम को या उस डिस्क्रिप्शन को। तो अब क्या हुआ कि इन्वेंशन आपका है, डिस्क्रिप्शन आपने लिखा है, अगर वो कभी पब्लिश होता है उससे मैं आइडिया लेके मैं हो सकता है पैडल का बना दूं और पैडल का मैं क्लेम कर लूं। तो इसका मतलब यही है कि आपको अगर साइकिल के हर पार्ट पे प्रोटेक्शन चाहिए तो साइकिल के हर पार्ट का आपको क्लेम करना पड़ेगा। इसकी चेन का भी क्लेम करोगे आप, इसके पैडल का भी करोगे, इसकी सीट कवर का भी करोगे, इसके मटेरियल का भी करोगे, इसकी प्रोसेस का भी करोगे, तभी आपको मिलेगा। अगर आपने मान लीजिए सबको छोड़ के एक चीज पे क्लेम किया है तो आपको सिर्फ उतनी ही प्रोटेक्शन है और बाकी सारी चीज इट विल बी अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज, मतलब एनी वन कैन यूज इट। सो मेक श्योर टू यूज क्लेम सेक्शन क्लेम वेरी अप्रोप्रिएटली एंड वेरी जुडिशियसली। जो भी आप क्लेम करेंगे आपका उतना ही एक्सक्लूसिविटी मेंटेन होगी। तो एक अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट बोलूं मैं तो अ क्लेम इज अ स्टेटमेंट ऑफ टेक्निकल फैक्ट्स एक्सप्रेस्ड इन लीगल टर्म्स। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, इट इज द एक्सप्रेशन इन लीगल टर्म्स डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ इन्वेंशन टू बी प्रोटेक्टेड। सो जो चीज मैं 3-4 स्लाइड से पीछे रिपीट कर रहा हूँ, डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ इन्वेंशन टू बी प्रोटेक्टेड, मतलब ये एक स्कोप सेट कर देता है कि मुझे सिर्फ यही हिस्सा प्रोटेक्ट कराना है। आपको जो हिस्सा प्रोटेक्ट कराना है वो चीज आपके इधर आनी चाहिए क्लेम्स में, अगर वहां पे नहीं आई है नहीं आएगा। फिर से वही बात इन्होंने बोली है, क्लेम्स डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ लीगल प्रोटेक्शन सॉट बाय द पेटेंटी एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव फेंस अराउंड द इन्वेंशंस व्हिच आर डिफाइंड बाय वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द क्लेम। सो चूज योर वर्ड्स वाइजली, चूज योर फ्रेजेस वाइजली। वर्ड्स एंड फ्रेजेस के लिए भी आगे एक मैंने स्लाइड ऐड करी है जो कि ऑफिशियल है, प्लीज वॉच इट। क्लेम शैल डिफाइन क्लियरली द स्कोप ऑफ इन्वेंशन विद द कंसाइसनेस प्रिसाइसनेस एंड एक्यूरेसी। एज आई मेंशनड अर्लियर, 3 C's, सो 3 C's आर कमिंग इनटू प्ले अगेन। इट शुड बी कंसाइज, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी प्रिसाइज एंड इट शुड बी एक्यूरेट। सो सब जितना भी कुछ होना चाहिए, यू हैव टू नो योर बाउंड्रीज ऑफ योर इन्वेंशन and this particular thing will actually not like so that the others may not know others may sorry for the goof up others may know the exact boundary into which they should not trespass। मतलब आपने अपने invention के against एक fence create कर लिया है, एक defense mechanism create कर लिया है through these particular claims if granted। अगर वो grant हो जाते हैं that means you have created a fence against for your invention and others may not trespass it। मतलब अब दूसरा कोई बंदा इस पे कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से you have to choose your words wisely and you have to choose your claims wisely what exactly you need to protect। Each claim is evaluated on its own merit, therefore if one claim is objected it doesn't mean the rest of the claims are invalid। आपने 9 claim मारे हैं, 9 claim में से मान लीजिए 3 claims पर objection आता है FER में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे ये invalid हो गए। You have to answer these particular claims, उसके बाद फिर से उसको evaluate किया जाएगा and in the meantime these particular 6 will be valid absolutely। That's not the case कि एक मेरा object हुआ है तो बाकी सब में दिक्कत हो जाएगा। It is therefore important to make claims on all aspect of the invention to ensure that the applicant gets widest possible protection। जैसा कि मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी invention करें तो उसके जितने भी part हैं, जितने भी aspects हैं जो आपको लगता है कि आपको protection चाहिए या आपको अपने लिए चाहिए,
वो सारे के सारे क्लेम करें, दे आर मेंशनिंग इट ओवर द टाइम एंड दे आर मेंशनिंग इट अगेन एंड अगेन, इवन आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, यूज द क्लेम सेक्शन वेरी जुडिशियसली. स्कोप ऑफ क्लेम्स कि हम क्या क्या क्लेम कर सकते हैं या फिर किस तरीके से हमको लिखना चाहिए. क्लेम्स मस्ट नॉट बी टू ब्रॉड. इसको अगर देखा जाए तो जो मैंने पहले बताया, इट शुड बी कॉम्पैक्ट टू एम्ब्रेस मोर देन वॉट द एप्लीकेशन हैज इन फैक्ट इन्वेंटेड. मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होना चाहिए. सो इट शुड बी कॉम्पैक्ट. क्लेम विच इज टू ब्रॉड मे एनक्रोच अपॉन अदर सब्जेक्ट मैटर्स विच इज इन पब्लिक डोमेन और बिलोंग टू अदर्स. मतलब अगर आप ज्यादा कहानी बनाने लगेंगे तो हो सकता है कि आप किसी के प्रोटेक्टेड राइट के अंदर इन्वेड करने लगें, वो भी गलत है. अ क्लेम मे नॉट बी टू नैरो. सच अ क्लेम वुड नॉट बी सफिशियंटली इफेक्टिव अगेंस्ट द पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट. अगर आपने एक छोटा सा हिस्सा लिया है कि मान लीजिए मैंने एक पहिया बनाया है एंड दिस पर्टिकुलर व्हील हैज स्पोक्स, यहाँ पे कोई भी पहिए की तीलियां हैं अगर, तो इतना भी छोटा नहीं मैं लिखूंगा कि ओके इन्वेंशन ऑफ व्हील, राइट. यू हैव टू राइट आपने स्पोक किसका बनाया है, आपने इसका जो स्प्रॉकेट बीच का यूज हुआ है ये किस किस मटेरियल का है या किस तरीके का है, क्योंकि व्हील तो डिफाइन कर देगा. आपका अलॉय व्हील भी होता है, आपका एक नॉर्मल व्हील भी होता है, आपका लकड़ी का भी व्हील होता है. तो यू हैव टू क्लियरली डिफाइन एंड इट शुड नॉट बी टू नैरो. जितनी सफिशियंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको देनी है. आपको वहाँ पे कोई भी बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है, बहुत कम भी नहीं देना है. अगर आप कम दे देंगे फिर आप तो ये हो जाएगा कि बाकी पार्ट पे कोई दूसरा क्लेम लेके जाएगा, बाकी पार्ट पे कोई दूसरा भी प्रोडक्ट लेके जाएगा आपके इन्वेंशन पर. हैविंग मैनी क्लेम्स वेयर ईच क्लेम हैज डिफरेंट स्कोप अलाउज द एप्लीकेंट टू हैव लीगल टाइटल टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द इन्वेंशन. फिर से वही चीज़ है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि जितने ज़्यादा क्लेम्स होंगे उतने ज़्यादा एस्पेक्ट्स पे आपको क्लेम मिलेगा, उतने ज़्यादा आपके पास लीगल टाइटल्स होंगे कि भाई आपके पास ये वाला भी क्लेम है, ये वाला भी प्रोडक्शन है, ये वाला भी पेटेंट ग्रांट हो चुका है. ये सारी चीज़ें आपको तब मिलेंगी जितने आप क्लेम्स डालेंगे. आप डिस्क्रिप्शन में कितना भी कुछ लिख लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आपने सॉरी अगर आपने क्लेम्स कम यूज़ किए हैं मतलब आपको पास कम पेटेंट ग्रांट होंगे. टर्म्स ऑफ द क्लेम्स विच कन्फ्यूज द स्कोप ऑफ इन्वेंशन और क्लेम दैट आर नॉट स्पेसिफिक. एग्जाम्पल एनी नोवेल कैरेक्टर मैटर शुड बी अवॉइडेड. कोई भी ऐसी चीज़ आप ना लिखें जो एकदम से मतलब एक वेग इन्फॉर्मेशन हो या वेग चीज़ हो, डिफाइन ना कर रही हो स्कोप के, आपके स्कोप के बाहर जा रही हो, आपके आपका जो भी प्रोडक्ट है उससे बाहर जा रही हो, तो ऐसी चीज़ें आप क्लेम्स में ना डालें. यहाँ पे जो पहले मैंने बताया था वर्ड्स एंड फ्रेजेस का, उसके बारे में बात करी गई है. जब भी आप क्लेम शुरू करेंगे तो आई, अगर आप अकेले क्लेम कर रहे हैं तो आई क्लेम, अगर आप दो लोग हैं या आपकी टीम है तो वी क्लेम, इस तरीके से शुरू करेंगे वी क्लेम. एंड देन इसके बाद आपका पूरा स्टेटमेंट रहेगा जो आप क्लेम करना चाह रहे हो. तो इस तरीके से बिकॉज दिस इज अ राइट मतलब लीगल डॉक्यूमेंट, तो आप लीगली देखोगे आप लिखा होता है ना कि इन्होंने, इनके पुत्र ने या फिर आई एज अ विटनेस. आप लीगल डॉक्यूमेंट अगर पढ़ के देखोगे तो उसमें कितना डिस्टिंग्विश लिखा होता है कि किसने क्या किया है या किसने क्या, कोई क्या कह रहा है. सेम तरीके से यहाँ पे भी है आई क्लेम या वी क्लेम. क्लेम शुड स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश पेज ईच डिटेल आफ्टर डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन एंड शुड बी सीरियली नंबर्ड. आपको नंबरिंग अच्छी करनी है, कोई भी ए बी सी नहीं, 1 2 3 नंबरिंग रहेगी. ईच क्लेम शुड बी सिंगल सेंटेंस. ईच क्लेम शुड बी क्लियर एंड सक्सेंट. क्लेम शुड नॉट बी वर्बोस. मतलब सिंगल सेंटेंस में होना चाहिए, क्लियर कॉम्पैक्ट कंसाइज का प्रिंसिपल यूज हो रहा है यहाँ पे भी. ज़्यादा वर्बोस मतलब कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ज़्यादा वर्बोस नहीं होना चाहिए. ज़्यादा वर्ड्स या फिर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं तो आप दूसरे के आप अपने इन्वेंशन को एक्सप्लेन करें कि मुझे चाहिए क्या, उसके पीछे की कहानी ना बताएं. क्लेम शुड रिलेट टू सिंगल इन्वेंशन और टू अ ग्रुप ऑफ इन्वेंशंस. एप्लीकेशन हैज टू देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ द क्लेम्स That can be incorporated in the specification. जैसा कि मैंने पहले बताया था 9 या 10 होते हैं यहाँ पे. आप क्लेम्स एक फ्री, उसके बाद आप मतलब आप यू हैव टू पे, एप्लीकेंट हैज टू पे एडिशनल फीस फॉर ईच क्लेम इफ टोटल नंबर ऑफ क्लेम इज मोर देन 10. यस, दिस वॉज द थिंग दैट आई वॉज सेइंग दैट इफ द नंबर गोज बियॉन्ड 10 यू हैव टू पे अ फीस.
Each claim should be fairly based on the matter disclosed in the specification. The claims must be fully supported by description. जो आपने description दिया है claims उसको fully support करने चाहिए. ऐसा नहीं हो आपने description तो bike का दिया है कि मैंने एक ऐसी चीज़ बना दी है जो 100 किलोमीटर पर आर पे चलती है, बट क्लेम्स पे आप साइकिल को एक तरीके से दे रहे हो, साइकिल 100 किलोमीटर पर आर को जस्टिफाई नहीं कर सकती, राइट? सो इस तरीके से आपको फोकस करना है आपके क्लेम्स पे भी, आपके डिस्क्रिप्शन पे भी. अ क्लेम शुड बी क्लियर इन द सेंस दैट इट शुड नॉट कॉज एनी स्पेकुलेशन विद रिस्पेक्ट. कोई भी आपको जेनरिक टर्म यूज नहीं करना है, लाइक थिन, स्ट्रॉन्ग, अ मेजर पार्ट, सच एज. ये क्या करते हैं, एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन कर देते हैं कि मतलब मेरी समझ में जो आ रहा है मैं उस हिसाब से ले लूंगा. मेरे आपके लिए स्ट्रांग 100 किलो का आदमी होगा, कोई अगर 100 किलो का आदमी है तो उसके लिए स्ट्रांग वो मान लीजिए 150 किलो का आदमी होगा, या फिर है ना. ये एक बहुत रिलेटिव चीज़ है, ये एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है. तो यू हैव टू यूज द वर्ड्स विच आर मोर ऑफ अ क्वांटिटेटिव अप्रोच रादर देन अ सब्जेक्टिव अप्रोच. मतलब आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर मेरी साइकिल की स्पीड 50 है तो आई वुड राइट कि द स्पीड दैट वी कैन अचीव इन दिस पर्टिकुलर इन्वेंशन इज अप टू 50 एंड इट रेंजेस इट विद अ लाइक मार्जिन ऑफ प्लस माइनस 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब आप यहाँ पे ये ले सकते हैं कि इफ स्ट्रॉन्ग पर्सन इज राइडिंग माई बाइसाइकिल इट विल गो अप टू 60. नहीं, ऐसा नहीं ले सकते. तो इस तरीके से मतलब ये है कि कोई जनरल टर्म ना डालें जो काफ़ी कन्फ्यूजन हो. आप भी पढ़ोगे तो आपको भी लगेगा यार ये चीज़ क्या है. तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी वेग, एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, हाइपोथेटिकल नेचर में नहीं होना चाहिए, हर चीज फैक्ट बेसिस पे होनी चाहिए. एनी टर्म विच इज यूज इन द क्लेम मस्ट बी ईदर फाउंड इन द डिस्क्रिप्शन और फेयरली इन्फर्ड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन. जो भी टर्म आपने यूज किए हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन में होने चाहिए. कोई भी नया वर्ड मत यूज करिएगा जो आपने डिस्क्रिप्शन में नहीं यूज किया है. कि अगर मैंने साइकिल के पहिए को पहिया बोला है या व्हील बोला है तो क्लेम्स में भी व्हील ही रहेगा. यहाँ पे आपके आप इसको राउंड ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते. अगर आपने राउंड ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन में बोला है तो क्लेम्स में आप व्हील नहीं बोल सकते. अगर डिस्क्रिप्शन में आपने व्हील बोला है तो आप क्लेम्स में आके राउंड ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते. आपको ट्रेडमार्क नहीं यूज करने हैं अपने अपने क्लेम्स में. और जो भी आपका ट्रेडमार्क रहेगा वो तभी यूज हो सकते हैं जब लाइक दे हैव मेंशनड ट्रेडमार्क्स आर ओनली परमिटेड इन क्लेम्स वेयर इट कैन बी शोन दैट देयर यूज इज अनअवॉइडेबल. मतलब आपके इन्वेंशन के लिए वो मैंडेटरी है तभी आप वो ट्रेडमार्क्स यूज कर सकते हैं. द क्लेम शुड यूजली बी कंसिस्टिंग ऑफ थ्री पार्ट्स. फर्स्ट वन इज प्रीएम्बल, देन द ट्रांजिशनल फ्रेज एंड देन द बॉडी. तो प्रीएम्बल आपको आइडेंटिफाई करता है कि कैटेगरी ऑफ इन्वेंशन क्या है और उसका पर्पस क्या है. ट्रांजिशन फ्रेज जो होते हैं आपके वर्ड्स जो हैं वो ये वाले वर्ड्स होने चाहिए, कंप्राइजिंग, इंक्लूडिंग, कंसिस्टिंग एसेंशियली ऑफ. दीज आर सच काइंड ऑफ सच वर्ड विच आर कंटेन्ड इन ट्रांजिशन फ्रेज. इफ द इन्वेंशन इज एन इम्प्रूवमेंट, अगर कोई इम्प्रूवमेंट वाला हमारा इन्वेंशन है, मतलब एक इन्वेंशन है जो पहले से ही हमारे पास मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट है पब्लिक यूज के लिए, बट वी हैव फाउंड सर्टेन कोई मशीन है जैसे, तो उसको जैसे मुझे कुछ इम्प्रूव करना है, उसका कोई पार्ट है जिसकी मैंने नई डिजाइन बनाई है, तो या कोई प्रोसेस है जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ. दैट मीन्स वो एक पब्लिक यूज के लिए ऑलरेडी थी बट वहाँ पे मैंने कुछ नया इम्प्रूवमेंट किया है. तो उस केसेस में क्या करना है हमको, द क्लेम विल हैव टू पार्ट सेपरेट बाई वर्ड कैटेगराइज बाई और वेयर इन. सो दिस इज द पार्ट दैट यू हैव टू यूज इन सच सिनेरियो. और वेयर इन इज द फ्रेज दैट यू शुड बी यूजिंग इन केस ऑफ दिस इम्प्रूवमेंट क्लेम्स. सो द फर्स्ट क्लेम इज ऑलवेज एन इंडिपेंडेंट क्लेम, ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल क्लेम. आपको जो पहला क्लेम करना है वो एक प्रिंसिपल क्लेम होगा, ये इंडिपेंडेंट क्लेम होगा. ये किसी भी चीज पे इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी. इसके नीचे सब क्लेम्स आ सकते हैं बट ये समझ लीजिए एक मेजर पार्ट है, मेजर क्लेम है, और इसके नीचे जो भी आएंगे वो इसके सब पार्ट्स आएंगे. सो ये क्या करेगा, इट शुड क्लियरली डिफाइन द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द एम्बॉडीमेंट्स ऑफ द प्रोसेस प्रोडक्ट दैट कंस्टिट्यूट्स द इन्वेंशन. द क्लेम शुड बी प्रॉपरली कैटेगराइज विद रिस्पेक्ट टू प्रायर आर्ट डिफाइनिंग ऑल द टेक्निकल फीचर्स essential to the invention or inventive concepts. मतलब जो principal claim है ये आपके invention को describe कर रहा है कि आप claim किस चीज़ पे लेना चाह रहे हो और उसके सारे parts को. The claim should bring out the
sufficient details of the interrelationship or the operation to establish that the invention achieves the intended objectives. तो ये आपका principal claim के बारे में है और इस पे आपको मतलब ये एक first आपका claim होना चाहिए principal claim. There may be more than one independent claims in the single application that falls under single inventive concept. While there is no restriction as to number of claims, including the independent claims, it is advisable to limit the number of claims as well as the number of independent claims in the single application so that the claims are falling under single inventive concept. A dependent claim derives its ascendance from the independent claim and reads into the features of the independent claim and may contain optional features. मतलब ये आपका principal claim है, इसके अंदर आपके तीन dependent claim आ सकते हैं. ये आपका independent claim है. These are dependent claims. The claim shall not be comprise number of alternatives or variable parameters features which make it unsearchable. This is obvious कि आप एक चीज पे production चाह रहे हो तो you should not use alternatives. You should be always using the particular words, particular claims for your patent filing application. Dependent claims are not fully limited to the terms of the preceding independent claim. That means dependent claims which omit, modify or substitute a feature of an independent claim should be avoided. जैसा कि ये बताया ना कि ये dependent इसी reason से कहे गए हैं क्योंकि ये सारे के सारे इस principal claim पे dependent हैं. तो any claims which modify or substitute the feature of an independent claim should be avoided. मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये जो claim है ऊपर वाला ये कुछ और बता रहा है और नीचे वाला उसको कैंसिल कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. नीचे वाला क्लेम जो है या फिर जो डिपेंडेंट क्लेम है ये हमेशा इसको सपोर्ट करना चाहिए. अगर कोई ऐसा क्लेम है जो इसको कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो प्लीज अवॉइड इट. दे हैव रिटन इट, प्लीज अवॉइड इट इफ दे आर मॉडिफाइंग और ओमिटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग एनी फीचर ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लेम. इट शुड बी अवॉइडेड. द प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग ओमनीबस क्लेम डज नॉट हैव एनी लीगल बेसिस. In fact, such a claim can not be allowed as per the section 10(4)(c) of the Act, being non-definitive with respect to the scope of invention for which the production is claimed. So it should be definitive. That जो मैंने एक बार word use किया है qualitative, quantitative sorry. So it should be quantitative. So that means it should be measurable, it should be viewable, and it should be definitive. It should not be an indefinite thing that can be claim. It should always be having some definite or calculated or factual data. So quickly summarizing it, like we are focusing on 3 C's. We are focusing on words to use. We are focusing on phrases and noticing that it's a legally documented paper. So we have to kind of be very attentive while making our claims, and that's the way to have this particular file go successfully. Otherwise, if you are still having some issues regarding how to file patents, you can review our previous videos as well. And if you have any other questions, do let us know in the comments. And thank you for watching this particular video. We are here to help you. If you have any kind of issues or questions, write us or you can simply put a comment and we will try to make a video on that particular part as well. Thank you.